नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी सैलेड की रेसिपी। इसके लिए मैंने एक कटोरी चना और मटकी ली है, उसको स्प्राउट बना के लिया है, अंकुरित चना। एक मिक्सिंग बाउल लेके उसमें डालना है चना। अब मैंने आधा खीरा लिया है बारीक कट करके, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है कट करके, थोड़ा पुदीना और हरा धनिया लिया है। आप चाहे तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्याज पसंद नहीं है तो नहीं ऐड किया है। टमाटर ककड़ी को डाला है और पुदीना ज़रूर डालिए इसमें, पुदीने से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये बिना प्याज का बहुत ही टेस्टी लगता है, आप भी ज़रूर बिना प्याज का ट्राई कीजिएगा। एक अच्छे से एक बार मिक्स करके लेना है, बहुत ही कलरफुल दिख रहा है फ्रेंड्स, खाने में तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। इसके लिए मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। मैंने एक चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है, ब्लैक सॉल्ट लिया है मैंने, काला नमक, चाट मसाला, और आधा चम्मच मैंने ब्लैक पेपर लिया है, काली मिर्च को ऐसा दरदरा कूट के लिया है। आप इसमें चिली फ्लेक्स की जगह हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन चिली फ्लेक्स डालने से इसमें टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है फ्रेंड्स। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके लेना है। आप चाहे तो इसमें एक नींबू निचोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास नींबू नहीं था। अच्छे से मिक्स होने के बाद मैंने उसमें ऐड किया है आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लिया है मैंने आमचूर का पाउडर, नींबू नहीं था इसलिए वो डाला है। आप ज़रूर नींबू ही ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स। फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करना है। आप लोग इसको वेट लॉस में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत जल्दी वेट लॉस भी होगा इससे। ये देखिए बहुत ही यम्मी डिलीशियस बना है ये सैलेड। चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा फ्रेंड्स। आप इसको सुबह में नहीं तो इवनिंग में भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।